वक्त बंगाल से बहुत दुखद खबर आ रही है, जहां बंगाल की राजधानी कोलकाता में दर्दनाक हादसा हुआ है। इमारत की लिफ्ट में फंसने से 9 लोगों की मौत हो गई है। स्ट्रैंड रोड पर यह 13 मंजिला इमारत है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस 13 मंजिला इमारत में आग लग गई थी और इसी आग को बुझाने के लिए, इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और आरपीएफ की टीम पहुंची थी और इस दौरान यह हादसा हुआ। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी खुद स्पॉट पर पहुंची है जहां पर यह हादसा हुआ है। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर, कैसे ये दर्दनाक हादसा हुआ, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि ये वो सभी लोग थे जो कि साग पर काबू पाने के लिए वहां पर जा रहे थे। रविशंकर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है कि संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं पहुंच पा रही रविशंकर तक। एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ममता बनर्जी सीएम। ममता बनर्जी खुद इस वक्त स्ट्रैंड रोड जहां पर ये हादसा हुआ, ठीक है रविशंकर, आप जानकारी दे रहे हैं। दफ्तर है उसके 13 माले पे, जो जहाँ पे सर्व जी बिल्कुल रविशंकर अपनी बात पूरी करिए और वहां पर क्या हो रहा है तस्वीर भी आप साथ साथ दिखाइए। था कैसे आग लगा था ये कहना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही आग लगा दमकल के जो फायर फाइटर्स है वो रेल पुलिस के आरपीएफ के एक अधिकारी, कोलकाता हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो अचानक लिफ्ट से, उन लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग लिफ्ट से क्यों ऊपर जाने की कोशिश की, और जब लिफ्ट जाके 13 फ्लोर में रुका और दरवाज़ा खुला, आग का एकदम गोला आके उन लोगों के ऊपर आके बरस पड़ा और वहीं पे स्पॉट पे उन लोगों की मौत हो गई। ऐसा आपका इस जानकारी के लिए, तो लिफ्ट के जरिए आग को बुझाने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया और सभी लोगों की मौत हो गई दम घुटने से। ममता बनर्जी इस वक्त मौके पर मौजूद है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।